झुक झुक सी चलती गाड़ी, रुक रुक के भरता देश, युवा चले हैं, बढ़े हैं, पढ़ने उद्यमशीलता का संदेश। टाटा जागृति यात्रा, यात्री निकल पड़े हैं एक यात्रा पर, एक जुनून के साथ, एक ट्रेन, 13 डेस्टिनेशन, 9000 किलोमीटर, 15 रोल मॉडल्स, 400 यात्री, एक ही लक्ष्य, भारत का उद्यम जनित विकास। भारत दूर दूर तक फैला विविध रंगों वाला देश है। इसके आर्थिक और सामाजिक ढांचे में भी कई आयाम और कई परतें हैं। एक तरफ कुछ लोग विकास की लहर में बहुत आगे निकल गए हैं, तो कुछ दूसरे बहुत पीछे छूट गए हैं। केवल सरकारी सहायता से ये दूरी नहीं भरी जा सकती। समाज में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। इस बात के महत्व को समझकर टाटा ग्रुप और जागृति सेवा संस्थान ने जन्म दिया टाटा जागृति यात्रा को। हमारे अनुमान में, जागृति के अनुमान में, भारत तीन भागों में विभाजित है। एक 25 करोड़ की आबादी जो सबसे ऊंचे तबके की है वो अच्छा कर रही है, वो ग्लोबलाइजेशन में भाग ले रही है। एक 35 करोड़ की आबादी सबसे नीचे स्तर पे है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कठिनाइयों से बिखर रही है। बीच के जो 50 करोड़ की आबादी है जो 40 और 120 रुपए के बीच में, इसे हम मध्य भारत कहते हैं। और अगर आप देखेंगे, ये नक्शा पिरामिड नहीं है, एक डायमंड है, एक जिसे कहते हैं एक उजलता हुआ डायमंड है। इसको हम लोग चाहते हैं कि उद्यम जनित विकास से आगे बढ़ाएं। इसमें कई लोग नए लोग हैं जो कि नवयुवक हैं, अधिकतर करीब 50% लोग इसमें 25 साल के नीचे के हैं। इनको कैसे प्रेरित किया जाए कि ये एक पर्पस इनको मिले, एक मिशन मिले, एक लक्ष्य मिले जिसको पकड़ के वो उद्यम से आगे बढ़ें और अपने देश का नवनिर्माण करें। ये एक ऐसी राष्ट्रीय यात्रा है जिसने प्रण लिया है देश और विदेश के 400 प्रेरित युवाओं को एक यात्रा पे लाने का, जहां वो आदर्श व्यक्तियों और संस्थानों से मिल सकें जिन्होंने उद्यमशीलता के बल पर देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाया है। ये यात्रा भारत के अलग अलग हिस्सों से गुजरती है। इसमें उन लोगों ने भाग लिया है जो भारत के 40 करोड़ युवा जनता की सोचने की शक्ति को प्रभावित करती है और उन्हें अपने सपनों को नई दिशा देने में और इस देश की तरक्की में मदद करती है। तो हमने हमारी जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, उसका नाम सोचा है देसी देवरिया। हम 400 लोग ये सब देख के खुश हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया के लोग आके हमारे गांव को देख के कितना खुश हो सकते हैं। जब हमारे गांव में ये एक पॉसिबिलिटी है। ये हैं हिंद के योगी, ढूंढ रहे हैं वो मंजिल, यूं छूकर टिमटिमाते तारों को। हाँ, ये तारे हैं जगमगाते पूरे देश के कई भागों में। ये वो तारे हैं जिन्हें अपनी रोशनी के लिए सूरज की जरूरत नहीं, ये रोशनी इन्होंने पाई है अपने कर्मों से और फैलाई है अपने निकट के लोगों की जिंदगी में। कुछ लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परिवर्तन की रोशनी से पिछड़ेपन के अंधेरे को दूर किया है, जिससे हमारे युवा मार्गदर्शन ले सकते हैं। जो भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीधा गांव में पहला एक्सचेंज है जो 10 साल से काम आ रहा है। 10 साल से ब्रॉडबैंड जब लोग सुन नहीं पा रहे थे, नहीं पा रहे थे।
यात्रा के तीन चरण थे, जिसमें सामाजिक स्तर से उठे बदलाव, संगठनात्मक स्तर से हुए परिवर्तन और ग्रामीण इलाकों में हुए बदलाव को समझने की कोशिश की गई। ये यात्री कई देशों से आए हैं और भारत में परिवर्तन की बयार को व्यक्तिगत रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पूरा मुद्दा है वो है उद्यम जनित विकास का, यानी एंटरप्राइज लेड डेवलपमेंट। बहुत सीधे शब्दों में कहें, अपना फावड़ा उठाइए और अपने खेत की मेड़ खुद बनाइए, यानी आप उद्यमिता के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एंड आई थिंक वी हैव नाउ कम टू द लास्ट लेग ऑफ द यात्रा। I have found so many yatris come to me to say that they have been learning new things every day, they have been unlearning things every day, and so I feel very satisfied as a board member that what we have set out to do has succeeded to a large degree. And finally, I think the success of the yatra depends on the yatris. Mera experience काफी अच्छा रहा अभी तक, 2 साल हो गए जिसमें third yatra, और it has been a really wonderful journey for me personally, क्योंकि बींग अ स्टार्टअप एक तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं सीखने को, यू कैन सी एंड टू एंड थिंग्स कि क्या क्या कर सकते हो। इस यात्रा में हर एक युवा कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को खोज रहे हैं, और अपने इंटरेस्ट को किस तरह से वो अपना करियर बना सकते हैं, उससे किस तरह से इंटरप्राइज डेवलप कर सकते हैं, वो एक माध्यम उनको मिलता जा रहा है। हर साल 400 लोग हैं वो यात्रा पर आते हैं, वो 400 लोग कुछ इतने पैशनेट बन जाते हैं कि वो यात्रा से जुड़ जाते हैं, जो काफ़ी सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखते हैं। अभी हमारे यात्री कोई प्रॉब्लम नहीं बताता, वो कहता है सर मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा। पूरी दुनिया में ये एक ऐसा ही इवेंट है जो चलता है, एक रेल यात्रा चलती है, एंड ओनली फॉर नेशन बिल्डिंग। आवर विजन इज दैट वी विल हैव ब्रिक एंड मोर्टर इंस्टीट्यूशंस अराउंड द कंट्री दैट वुड बी एग्जिस्टेंस विद द सोल पर्पस ऑफ ड्राइविंग एंटरप्राइज लेड डेवलपमेंट, उद्यम जनित विकास। That you would create these enterprises in places where it's relevant for the local population, for the villages, for the towns, and that will result in development. ये वो सफर है जहां हम सीखते हैं कि कैसे उद्यम और सामाजिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। ये सफर हमें सिखाता है कि कैसे सपने हकीकत में बदले जा सकते हैं। इन सब को देखने के बाद मुझे बिल्कुल ये क्लियर सोच दिमाग में आ गई है कि अब मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे उसका फाइनेंस करेंगे, कैसे टीम के साथ काम करना है, ये पूरी बातें अच्छे से समझ में। जितने भी रोल मॉडल थे उन्होंने हम सबको उधर प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि समस्याओं से बिल्कुल मत डरो, उनका डट के मुकाबला करो। इस यात्रा की वजह से इट्स लाइक अ क्लोज डोर एंड नाउ द डोर इज ओपन एंड यू नो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड जो आप कर सकते हैं, और वो मैं करना चाहूंगी। और टाटा जागृति यात्रा ही ये जो यात्रा है वो भारत में सबसे जागृति करने वाली यात्रा है। ट्रेन में खुद ही कम से कम हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम ट्रेन के बाहर भी पूरे भारत को देखा और ट्रेन के अंदर पूरे भारत को देखा, और जो ट्रेन के अंदर की यात्रा थी, जो मेंटल यात्रा थी, जो हमारी मानसिक यात्रा थी, वो एक बहुत बड़ी यात्रा थी। इंडिया एंड आई मस्ट से दैट आई कुड हैव हैड नो बेटर चांस टू रियली लुक इनटू इंडिया। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। कुछ बदल रहा कुछ बदलेंगे तब बदलेगा, जब बदलेंगे कुछ देखा है कुछ देखेंगे, कुछ लिखा है कुछ लिख देंगे। कुछ बदल रहा कुछ बदलेंगे तब बदलेगा, जब बदलेंगे कुछ देखा है
कुछ देखेंगे, कुछ लिखा है कुछ लिख देंगे। यारो चलो बदलने की रुत है, यारो चलो संवरने की रुत है, यारो चलो बदलने की रुत है, यारो चलो संवरने की रुत है। कह रही तू ठहरना नहीं, गगन कह रहा तू बिखरना नहीं, जमी कह रही मुझको छू के तो दे, और आंखें मिला सच से झरना नहीं। यारो चलो बदलने की रुत है, यारो चलो संवरने की रुत है, यारो चलो बदलने की रुत है, यारो चलो संवरने की रुत है। रेल की यात्रा तो बस 18 दिनों में समाप्त हो गई, लेकिन इस यात्रा ने कई ख्वाब दिए हैं, कई सपने दिखाए हैं। उन सपनों को पूरा करने की यात्रा तो बस अभी शुरू हुई है।